लोकसभा में सुरक्षा की चूक के मामले पर राजनीति थम नहीं रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि ये घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन एक या दो नहीं बल्कि 7 स्मोक केन लेकर गए थे। पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया कि आरोपियों ने संसद के आसपास के इलाके की गूगल के जरिए रेकी की। वो लोग कई चीजों से वाकिफ थे। यही नहीं, सांसद का सिक्योरिटी अरेंजमेंट पता करने के लिए उन्होंने पुराने वीडियोस भी देखे थे। राहुल गांधी से संसद में सुरक्षा चूक पर सवाल पर पूछा गया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी ब्रीच है तो वो तो है, लेकिन ये क्यों हुई? देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। आरोपियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने यह तरीका भी सर्च किया था कि आपस में ऐसे कौन से तरीके से चैट की जा सकती है जिसे पुलिस ना पकड़ पाए। सभी आरोपी आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि वो किसी की गिरफ्त में ना आए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि आरोपियों का सबसे बड़ा मकसद मीडिया में चर्चित होना था, इसलिए सत्र के दौरान संसद में प्रवेश की योजना तैयार की।